नमस्कार, नेशन 24 आपका स्वागत है, मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हर पंचायत में प्रखंड प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लगातार अपने लोगों के बीच जाकर मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बातें अपने दावे पेश कर रहे हैं और लोगों से मिलकर अपने चुनावी मुद्दों को बता रहे हैं। जनता भी अपनी शिकायत अपनी समस्या को लेकर उनसे रूबरू हो रही है और बता रही है कि आखिर कितनी दिक्कतें हुई है इस 5 साल में और कितना कार्य किया गया है और कितनी योजनाओं पर काम हुआ है। इसी क्रम में आज नेशन 24 की टीम जो है बैकटपुर पंचायत पहुंची है और प्रखंड खुसरूपुर जिला पटना है और हमारे साथ मौजूद हैं उचित कुमार राम जी जो मुखिया प्रत्याशी हैं बैकटपुर पंचायत से। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे यहाँ के विकास और यहाँ के योजनाओं के बारे में बात करते हैं और ये कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, पंचायत के लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे और अपने लिए कौन सा विकास के मुद्दा उनसे पे को लेकर बात करेंगे जिससे कि लोग इनको जिता के मुखिया बनाएं और वार्तालाप करें। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे और इनसे हम इनके पंचायत के बारे में जानेंगे। नेशन 24 आने की लगभग जी सर बोलिए, कितना विकास कर पाएंगे आप? जितना हमसे संभव हो सकेगा सर, हम उतना कर पाएंगे, उतना ही करेंगे, समझे ना जी। विकास ही होना चाहिए। गांव में कोई जैसे अब बूढ़ा बूढ़ी हो गया जी, जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है जी, उसका पेंशन बनवाना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, रोड है, नाला है, बिजली है और इससे भी सबसे बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा की कमी है हमारे गाँव में, आगे पंचायत में जी, हमारे पंचायत में शिक्षा स्कूल है, स्कूल में कमी नहीं है, स्कूल बहुत है, लेकिन वहाँ टीचर्स टाइम पर नहीं आता है, पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो यही सब विषय पर हम लोग हैं जो इस चुनाव को हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम चुनाव लड़ेंगे और जीत हमारी तय है। बहुत सारे योजनाएं काम हो रहा है जी, एक जल नल योजना भी है जिसमें पंचायत में हर घर में जल और नल देना था। आपके जो वर्तमान मुखिया हैं या कहें कि अभी जो वर्तमान में हैं उनके द्वारा इस जनरल योजना पे कितना काम हुआ आपके नज़र में? 50% जी। बहुत सारी गली में नल जल योजना शुरू नहीं हुआ है, हुआ है आधा अधूरा काम करके छोड़ल है, समझे ना, पूरा काम नहीं हुआ है। टंकी तैयार है, पानी चालू नहीं है, पाइप निकल गया, नल अभी लगवे नहीं किया है, रोड खन कोड़ खन के छोड़ा हुआ है। तो ऐसे नहीं ना होता है, बाडे वार्ड उसको पहले फिनिशिंग कर पाइए, फिनिशिंग करके चलना चाहिए। एक वार्ड में आधा काम कर दिए फिर दूसरा वार्ड में काम अब देखने नहीं आते हैं, बस मुखिया बनने से नहीं ना होगा। आपका वादा है कि आप इस पे काम पूरा करेंगे? पूरा करेंगे तो करेंगे 100%। इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन का क्या स्थिति है? इंदिरा आवास तो देखिए, इंदिरा आवास को क्या स्थिति क्या जैसे होना चाहिए, हर गरीब को मकान मिलना चाहिए, है ना, बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन मिलना चाहिए, ये नहीं हो पाया। नहीं, बहुत से भी लोग हैं जो बूढ़ा बूढ़ी हैं जो नहीं हुआ है, बेचारे लाचार हैं, उनको ये होना चाहिए ना। शौचालय एक बहुत महत्वपूर्ण है जो हर घर शौचालय बनना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बाहर में निकलते हैं तो बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और शौच के जाने के बाद, तो लोग उससे बचने के लिए स्वच्छ भारत एक शौचालय योजना लाया जिसमें कि घर घर शौचालय बने। आपके क्षेत्र में आपके पंचायत में अभी तक कितना काम हुआ है? मान के चलिए 60%। अभी बहुत जगह है कि शौचालय नहीं बना है, आया इसका काम नहीं हो पाया क्या, तो मैंने मुखिया जी कहा थीं कि इतना लगता अब तक काम हो, तो अब बताइए 10-12 हज़ार रुपया में शौचालय बनाना है और उसमें से आप खोजिएगा कि हमको इतना चाहिए तो कैसे बनेगा, गरीब कहाँ से बनाएगा? जब पैसा रहता था गरीब अपना पैसा से शौचालय नहीं बना लेता है, बना लेता ना जी। उसमें भी घोटाला है? है, एकदम घोटाला है। अरे हम कहते हैं लीजिए, थोड़ा कम लीजिए, लीजिए लेकिन थोड़ा कम लीजिए, बिना ले ले तो होगा नहीं, ये भी हम जानते हैं, ऊपर से नीचे सब यही है, लेकिन उस सब बात के छोड़िए, समझे ना, हम विकास करेंगे, विकास का वादा है। रोड नाली बिजली पानी सबसे बड़ी शिक्षा के प्रॉब्लम है, उसको तो जरूर ठीक करेंगे। स्वास्थ्य यहाँ एक तो सरकारी अस्पताल की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूर दूर तक लोग को जाना पड़ता है। बहुत बड़ा पंचायत है सर और यहाँ सबसे बड़ा स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ एक तो सरकारी अस्पताल होना ज़रूरी है, इस पर तो विशेष ये रहेगा। आप दौरा कर रहे हैं पंचायत का? हाँ। कैसे लोग का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा है, 100 नहीं 200 बोलिए, और इस बार हम इसी चलते ना बोले कि जीत हमारी तय है।
पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ दिक्कतें हुई थी क्या? नहीं दिक्कत हमारे हमको क्या दिक्कत होगा, हम तो भाई पहली बार चुनाव लड़े थे और हम लोग युवा लोग सब मिलकर हमको अथी बनाया कि तुम चुनाव लड़ो, हम लोग सहयोग करेंगे, सहयोग किया भी पूरा किया, लेकिन थोड़ा सा हमारा वोट है जो क्या बोलता है उसको गड़बड़ा गया, थोड़ा सा रद्द कैंसिल ये सब होता है, अनुभव की कमी भी नहीं। हाँ अनुभव नहीं था और मेरे पास अनुभव तो पहली बार चुनाव रहे। सामाजिक काम जो 5 साल किए उसके बाद से तो आप लगातार सामाजिक काम में जुड़े रहे जैसा मुझे जानकारी मिली है, तो फिर थोड़ा अनुभव तो आया? हाँ, इस बार दावा पक्का है? पक्की एकदम, बोल ना दिए सर चुनाव हमारी जीत होगी तो होगी। कौन कौन से मुद्दे को लेके जा रहे हैं लोगों के बीच? बस मुद्दे क्या है, देखिए सर रोड नाली बोली ना दिए, रोड नाली बिजली पानी हैं, वृद्धा पेंशन बूढ़ा बूढ़ी की शिक्षा ये सब है हमारी सोच, और ये जो है सर सरकारी अस्पताल इसको तो एकदम है जो बनवाना ही बनवाना है, हर मोहल्ला में एक तो सामुदायिक भवन हो। मान लीजिए बड़े बड़े लोग के पास तो घर हैं, मान लीजिए 5 को परिवार आया वो या किसी घर में शादी ब्याह है तो अपना जिसका जगह है वो तो कर लिया, और जिसके पास नहीं वो कहाँ बेचारे बैठाएंगे, है ना। पहले हमारे पंचायत में थी कि स्कूल में बाराती उराती लोग के बैठा देते थे, अब ये सब सिस्टम नहीं है, तो इसलिए सामुदायिक भवन भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी तो बनाना है। यदि आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या उस सारे चीज़ें जो अभी हम लोग बात कर रहे थे भ्रष्टाचार पे, उस पर किस तरह से लगाम लगाएंगे? किस तरह से, जितना हमसे सक्षम होगा सर हम लगाएंगे, हम जान जी लगा देंगे इसमें, ठीक ना। और हमारे प्रति जनता है, हमारे पीछे बहुत जनता है, ठीक ना, वो सब हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेगा, सब मिलजुल के काम करेंगे इसको, भाई हो चचा हो दोस्त हो हैं, सब मिल के करेंगे। महिलाओं पे विशेष ध्यान? महिला पर ध्यान तो है ना, महिला भाई देखिए महिला के तो देखना ही है, कुछ ऐसा फंड हो जिससे कि महिला इधर उधर भी कुछ बहुत से है कार्य करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कार्य हो कि घर ही में अपने पंचायतें में बैठ के कमा ले। आप ये सब व्यवस्था करेंगे? करेंगे महिलाओं को लेकर? हाँ एकदम करेंगे सर, हमारे गांव की चाची है भौजाई है बहन है इधर उधर जाती हुई कहे जाएगी, वही चीज़ हम यहीं कहे ना व्यवस्था करें, इसी चीज़ पर है सर। देखिए बाकी तो भोले शंकर है ही, बैकुंठपुर बाबा नगरी जो चाहेंगे होगा। तो बैकुंठपुर बाबा नगरी में है और बैकुंठपुर बाबा भोले बाबा जो चाहेंगे वही होगा। उचित कुमार राम जी जो हैं लगातार अपनी बातों को कह रहे थे, अच्छी योजना सोच रखे हैं महिलाओं के लिए, विशेष योजना सोच रखे हैं कि जो महिलाएं बाहर जो इनकी बहन है भाई है बेटी है माँ है ये सारे लोग जो बाहर जाते हैं काम करने उनके लिए भी ये सोच रखे हैं कि इस पंचायत में कुछ ऐसा उद्योग ऐसा छोटे तरीके का कृत्रिम उद्योग लगाया जाए जिससे कि उनको रोजगार यहीं सृजन हो और उससे आर्थिक तंगी यहीं से दूर हो सके। अपने वादे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, सारी योजनाओं पर भी काम करने की बात कर रहे हैं, मुद्दा इनका सिर्फ विकास है, विकास में जल नल योजना से लेकर इंदिरा आवास से लेकर वृद्धा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन से लेकर शौचालय से लेकर मनरेगा से लेकर सारे चीज़ों पे ये दावा कर रहे हैं कि यदि ये जीत के आते हैं तो इस सारे चीज़ों पे रात दिन चौचुगनी कार्य करेंगे और लोगों को विकास की एक नया बिहार इस पंचायत में दिखाएंगे, क्योंकि ये भोले बाबा की नगरी है और यहाँ पे भोले ही सिर्फ बसते हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।